नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और आज मैं बात करने जा रहा हूं फ्यूचर कंज्यूमर पे। अभी देखिए, इसमें 3 दिन लगातार से अपर सर्किट का सिलसिला जारी है और आप ये चीज़ देख के इसमें फंसिएगा नहीं। चलिए आइए मैं नीचे बात करता हूँ चल के। यहाँ पे देखिए, आप देखिए तो इसका जो ब्लो एवरेज है, मतलब सबसे डाउन, मतलब सबसे यहाँ पे जो है वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए ब्लो एवरेज, यहाँ पे देखिए ये ब्लो एवरेज है। फिर उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल जो ट्रेड है, बस खाली 2 लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं और 30 लोग निगेटिव बोल रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं भाई एनालिस्ट, जो कि हर कंपनी पे अपनी राय देते हैं, और वहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ये लोग निगेटिव की ही राय दिए हैं, 30 लोग। और चलिए अगर मैं आगे बात कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए अगर मैं इसका चार्ट दिखाता हूँ आपको, मंथली मंथली जो इसका ईयरली मंथली जो रिटर्न है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए चार्ट, देखिए ये 5 साल में लगभग 60% माइनस है, 4 साल में 56% माइनस है। आप यहाँ पे देख सकती है इसका रिटर्न कुछ ज़्यादा खास है ही नहीं। और फिर चलिए मैं शेयर पैटर्न होल्डिंग आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं शेयर पैटर्न होल्डिंग पे अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो मेजोरिटी शेयर होल्डर पास है, ये दूसरे के पास है, प्रमोटर के पास है ही नहीं। और जो इसमें प्लेस्ड प्रमोटर है, 91.18% गिरवी शेयर है, आप ये ध्यान दीजिए। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने जो निवेश किया है वो आप मत देखिए, FI ने जो निवेश किया है वो आप मत देख के निवेश करिएगा, क्योंकि मैं अभी अगर आगे चल के बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ये लोग बहुत भारी निवेश किए थे, फिर देखिए अपना ये घटा रहे हैं होल्डिंग। चलिए मैं आगे यहाँ पे बात करता हूँ, देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे खुद घटाई हुई है होल्डिंग। और यहाँ पे देखिए प्लेस्ड प्रमोटर की अगर मैं बात करता हूँ, फिर देखिए 91%, क्या ज़बरदस्त है। यहाँ पे देखिए FIs की मैं बात करूँ तो 2019 में, सितंबर 2019 में इनके पास था देखिए होल्डिंग 16.85% का था। फिर उसके बाद दिसंबर 2019 में 16.97 का हिस्सेदारी है। फिर देखिए घटते घटते देखिए सितंबर 2020 में केवल मात्र 9.40% का हिस्सेदारी है। आप सोचिए, क्योंकि भाई लॉस तो बहुत ज़्यादा हुआ है इन लोगों को। और यहाँ पे देखिए FI म्यूचुअल फंड की आप बात करो, म्यूचुअल फंड देखिए सितंबर 2019 में 1.97% की हिस्सेदारी इनके पास। फिर उसके बाद देखिए घटाते घटाते अभी देखिए सितंबर 2020 में इन्होंने 0.01% की हिस्सेदारी बस खाली ली, मतलब पड़ी है इनके पास। और देखिए इंश्योरेंस वाले भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, देखिए इनके पास कितनी हिस्सेदारी थी, 0.06%। फिर वहाँ से देखिए अभी सितंबर में देखिए 0.03% की हिस्सेदारी इनके पास। DIs की बात करते हैं तो DIs का भी सेम वही सिचुएशन, मतलब जितने भारी भारी दिग्गज हैं, मतलब जो मार्केट से खूब पैसा बनाते हैं, मार्केट से खूब पैसा बनाते हैं और मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, उनके पास कितनी रिसर्च फॉर्म है। सोचिए जब वो लोग इस शेयर में नहीं लगा रहे हैं तो आप क्यों लगा रहे हो भाई, प्राइस कम है ये देख के। देखिए मैं एक बात आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए NIIS लोगों ने बढ़ाया है, 52% हिस्सेदारी की है। देखिए मैं सिंपल सी एक बात बताता हूँ आपको, इस कंपनी में मैटर चल रहा है अमेजोन और रिलायंस का, बहुत ही ज़बरदस्त। रिलायंस बोल रही है मेरे को दे दो, अमेजोन बोल रही है मेरे को। और अमेजोन जब इसको ले रही थी तब अपनी भारत सरकार है सेवी, भारत सरकार जो अपना देखिए जो भी कोई भी अगर स्टॉक है या कंपनी उसका सब कुछ देखता है सेवी, सेवी ने डायरेक्ट मना कर दिया कि आप मतलब नहीं ले सकते हो। और फिर उसके बाद जब उसको रिलायंस ले रही थी तो अमेजोन वाले ने क्या किया कि उस पर फाइल कर दिया,
बोला भाई जब हम नहीं ले सकते तो वो क्यों ले सकते हैं, वो भी नहीं ले सकते। फिर उसी से मामला देखिए इसका कोर्ट में चल रहा है। अब ये कब तक कोर्ट वोट का मामला, आपको पता ही है कोर्ट का मामला कब तक चलेगा नहीं चलेगा। अब उसके पीछे क्यों लगे रहेंगे कि मतलब ये कंपनी भागेगी तब हम अमीर बन जाएंगे, आलोक जैसा हो जाएगा ये शेयर, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जब दोनों में राय होगी, दोनों में सुलह होगा, तभी इस कंपनी का कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। आप इतनी भारी तेजी देख के आप इसमें एंट्री मत ले लेना, आप फंसना नहीं। और देखिए आप अगर कोई, क्योंकि देखिए हम लोग छोटे निवेशक हैं, हम लोगों के पास उतना पैसा तो है नहीं। देखिए जितना पैसा है उतना ही पैसा हम कहीं अच्छी कंपनी में लगाएं, जहां भले से हमारा रिटर्न ना निकले फिर भी हमारा पैसा सेफ रहे, हमें तसल्ली रहे कि चलिए ठीक है हम यहाँ पे डाले हैं, कम से कम पैसा नहीं बन रहा है तो भी डिविडेंड तो आ रहा है हमारा। और डिविडेंड भी उतना ज़्यादा अगर कोई कंपनी अच्छी नहीं देती है तो भी, देखिए कोई भी अगर निफ्टी फिफ्टी में या और किसी में भी अगर आप डालेंगे कोई अच्छे शेयर में अच्छी कंपनी में, तो आपका वहाँ 20 से 30% साल का कहीं भी नहीं जाएगा, 20 से 30% कहीं भी साल का आपका नहीं जाएगा, और अच्छा बनेगा आपका पैसा। इसीलिए इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप भारी तेजी देख के आप मत फंसिएगा। चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे देखिए सिचुएशन क्या ज़बरदस्त बनी हुई है। देखिए मैं चार्ट पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे जब इसने लो बनाया था, लो देखिए कब बनाया था, ये लो बनाया था 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को इसका लो बना था 6 रुपये 60 पैसे का। फिर वहाँ से थोड़ी सी तेज़ी आई थी, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी तेज़ी आई थी 7 बज के, यहाँ पे देखिए जब हाई ये बना रहा था तो 7 रुपये 85 पैसे का ये हाई बनाया था, फिर थोड़ा सा लो आया, फिर उसके बाद देखिए इसमें भारी तेज़ी आने लगी। और यहाँ पे एक बात मैं बताता हूँ, जो देखिए जो अच्छे निवेशक हैं, मतलब जिनको मार्केट के बारे में बहुत ही अच्छे नॉलेज है और वो स्टॉप लॉस लगा के अगर ट्रेड करते हैं, वहीं यहाँ पे निवेश करें, शॉर्ट टर्म के लिए करें, और शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करें करके स्टॉप लॉस लगाएं और फिर उसके बाद आप वहाँ पे अच्छा पैसा बना सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आप इसमें पैसा, देखिए मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला था कि आप इसमें पैसा लगा के फंसिए नहीं, तो ये मैं उन लोगों के लिए बोला हूँ कि जो ऐसे निवेशक हैं कि जो उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, और फिर उसके बाद वो कुछ लोगों को तो ऐसा पता नहीं है कि वो स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, वैसे निवेशक इसमें ना फंसें। और कोई भी ऐसे लोग हैं कि जिनको लंबे दूरी के लिए अगर निवेश करना हो वो भी इसमें ना फंसें, और यहाँ पे वही बस खाली पैसा लगाएं कि जो शॉर्ट टर्म में पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं, मतलब लगाया स्टॉप लॉस लगाया, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे माल ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस अपना बढ़ाते रहें, और अगर ये स्टॉक अगर ऊपर नहीं जाता है तो ऑटोमेटिक जो आप स्टॉप लॉस लगाए रहेंगे वो उसी पे निकल जाएगा। क्योंकि क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर मान लो आप यहाँ पे घुस गए ठीक है, अगर ये डाउन सर्किट मार दिया तो आपका माल बिकेगा ही नहीं, और ये डाउन सर्किट मारते अभी ये कितना नीचे आ जाएगा वो भी नहीं पता, तो आपका सोचिए कितना माइनस हो जाएगा पैसा। इसीलिए मैं आपको बार बार मना कर रहा हूँ कि आप ऐसे स्टॉक में ना फंसिएगा। देखिए कोई अगर जैसे अपना बहुत ही टैलेंटेड है, वैसे टैलेंटेड तो सभी होते हैं, लेकिन जो स्टॉप लॉस लगा के चलता है बस खाली वही इसमें खरीदेगा, और कोई मत खरीदना इसमें आप, नहीं तो आपका जितना पैसा है ना सब पैसा आधा हो जाएगा और आधा से भी कम हो जाएगा, और आप देखते ही रह जाओगे। क्योंकि जब ये डाउन सर्किट मारेगा ना तो आपको तो समझ में नहीं आएगा मैं अब निकलूँ कैसे,
क्योंकि डाउन सर्किट जब आता है लोअर सर्किट, तो आप उसमें आप आपका माल बेच ही नहीं पाओगे, क्योंकि माल लेने के लिए कोई खड़ा ही नहीं होता है, तो आप कहाँ से बेचोगे। फ्रेंड मैं यही बार बार बोल रहा हूँ कि आप तेज़ी देख के ऐसा ना करिएगा कि मेरा पैसा 2 गुना 4 गुना 10 गुना हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला यहाँ पे नहीं है। और तेज़ी देख के आप उत्साहित मत होइएगा कि मैं इसमें पैसा लगा देता हूँ मेरा पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं थोड़ा अगर मैं पीछे चलता हूँ, हाँ इसने पैसा कई गुना किया है यहाँ पे। देखिए सिंपल सी बात मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप माल खरीदे, ठीक है, कितने तारीख को, 5 जून को, और ये मारने लगा फिर अपर सर्किट, आपने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऊपर जा रहा है जाने दो जाने दो जाने दो, फिर यहाँ पे कोई बड़े सज्जन अपना स्टॉक बेच के निकल जाते हैं, ठीक है। अगर आपने उस दिन नहीं निकाला, अगर आपने उस दिन नहीं बेचा, तो फिर आप तो फिर गए, क्योंकि फिर वहाँ से डाउन सर्किट मारेगा तो आपका स्टॉक सेल ही नहीं होगा। फिर आप उतने दिन इंतज़ार करो, फिर यहाँ पे आएगा तो आप बोलोगे अरे यार इतना पैसा बन रहा था मैंने सेल ही नहीं किया, अभी अभी चलो ठीक है अभी तो जो भी माइनस है माइनस में ही निकाल दूँ, आपको फिर ये करना पड़ेगा। या तो फिर उसके बाद आप कुछ दिन रुको, आप अगर वेट कर सकते हो तो रुको। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा कुछ भी ना करिएगा और आप अच्छे स्टॉक में लगाइए। और इसीलिए मेरा देखिए वीडियो डालने का मकसद यही था कि जो छोटे निवेशक हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं अरे ये 9 रुपये का है, गजब का भाग रहा है, मतलब 5-5% का अपर सर्किट मार रहा है पर डे, मतलब ये पैसा तो 2 गुना 4 गुना कर देगा। छोटे निवेशक यहीं आके फंसते हैं और कोई बात नहीं है। और वही लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट तो ख़राब है, हमारा पैसा ही नहीं बनता है। अरे कैसे बनेगा भाई, जब आप गलत जगह पैसा डालोगे तो कैसे पैसा बनेगा। आप अच्छे जगह डालिए, अच्छा निवेश करिए और आपका बहुत ही अच्छा पैसा बनेगा। ओके थैंक यू फ्रेंड।